नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 2019 की बेहतरीन फिल्में। बॉलीवुड में वैसे तो हर साल सैकड़ों फिल्में बनती रहती हैं। हर फिल्म का अपना एक रंग और एक अंदाज होता है, लेकिन 2018 बॉलीवुड फिल्मों के हिसाब से कुछ खास नहीं रहा। साल 2018 खत्म होने को है और बात करते हैं 2019 की। ये साल बॉलीवुड के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और इस साल में भी छोटी बड़ी हर तरह की फिल्में आएंगी, लेकिन हम आपको ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। पहली फिल्म का नाम लूं तो वो है सुपर 30। काबिल के बाद ऋतिक रोशन इस फिल्म के लिए जबरदस्त तरीके से जुट गए थे और लीक तस्वीरों से उनकी मेहनत को साफ देखा जा रहा है। ये फिल्म 2019 के शुरुआती महीने में रिलीज होगी। 25 जनवरी को आप इसे नजदीकी सिनेमाघरों में देख पाएंगे। इस फिल्म का डायरेक्शन विकास बघेल ने किया है और इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अलावा मृणाल ठाकुर, ऋत्विक, आदित्य श्रीवास्तव, मोहम्मद जिशान आयुब हैं और ये फिल्म उम्मीद है बहुत ही अच्छी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। अगली फिल्म का नाम लूं तो वो है मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी। ऋतिक रोशन और कंगना की लड़ाई तो जग जाहिर है। ये लड़ाई आने वाले साल में बॉक्स ऑफिस पर भी दिखाई देगी, क्योंकि 25 जनवरी 2019 को कंगना की फिल्म मणिकर्णिका भी रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन राधा कृष्णा ने किया है। और अगर फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो मणिकर्णिका फिल्म में कंगना के अलावा सुरेश और अतुल कुलकर्णी और प्रजक्ता माली जैसे अच्छे कलाकार भी शामिल हैं। अगली फिल्म के बारे में बताऊं तो अगली फिल्म का नाम है मेंटल है क्या। राजकुमार राव के अभिनय में सजी ये फिल्म 22 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी। ये फिल्म एक सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर है, जो सुपर 30 जैसी बायोपिक के बाद ये फिल्म आपको जबरदस्त थ्रिलर का एहसास दिलाएगी। अगली फिल्म है केसरी। अक्षय कुमार की ये ऐतिहासिक फिल्म 22 मार्च 2019 को रिलीज होगी। हालांकि फिल्म की शूटिंग अभी जारी है, लेकिन अक्षय कुमार के फैंस इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं। और अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परिणीति चोपड़ा और अश्वथ भट्ट भी हैं। उम्मीद है ये फिल्म बहुत ही अच्छी जाएगी बॉक्स ऑफिस पर। और अगली फिल्म है वैलेंटाइन डे पर रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म गुली बॉय को रिलीज की डेट रख रखी है। इस फिल्म के लिए रणवीर ने अपना वेट काफी ज्यादा कम किया है। इस फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर कर रही हैं और इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। अगली फिल्म का नाम है कलंक। अप्रैल में आने वाली इस फिल्म में एक नहीं बल्कि कई सितारे होंगे। इस फिल्म की खास बात यह है कि एक अरसे बाद आप संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को फिर से एक साथ देख पाएंगे। इस फिल्म की रिलीज डेट है 19 अप्रैल। अगली फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त डांस के शौकीन दर्शक इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इस बार टाइगर एक नहीं बल्कि दो लड़कियों के साथ नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 10 मई को रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन करण जौहर ने किया है और रही स्टार कास्ट की बात तो फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अलावा उल्का गुप्ता और तारा सुतारिया भी नजर आएंगी। अगली फिल्म की बात करें तो सलमान खान की फिल्म की बात कर रहे हैं हम और उस फिल्म का नाम है भारत। ये फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। इस फिल्म में पहले प्रियंका चोपड़ा भी कास्ट में थी, लेकिन अब वो इस फिल्म से बाहर हैं, तो उनकी जगह कैटरीना को लीड एक्ट्रेस के तौर पर फाइनल कर लिया गया है। और अगली फिल्म का नाम है अर्जुन रेड्डी रीमेक। अर्जुन रेड्डी रीमेक शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवी है, जिसका निर्देशन संदीप वांगा कर रहे हैं। ये फिल्म 21 जून को रिलीज होने वाली है। उम्मीद है शाहिद की ये फिल्म भी बहुत ही अच्छी जाने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। अगली फिल्म का नाम है गुड न्यूज। गुड न्यूज फिल्म से अक्षय कुमार एक और गुड न्यूज ला रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से करीना कपूर और अक्षय कुमार की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। फिल्म गब्बर के बाद ये जोड़ी काफी टाइम के बाद बॉक्स ऑफिस पर नजर आएगी। इससे पहले भी फिल्म ऐतराज में इन दोनों की जोड़ी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया था और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था इनका काम।
इस फिल्म का डायरेक्शन राज मेहता कर रहे हैं और ये फिल्म 19 जुलाई 2019 को रिलीज होने वाली है। तो मैंने ये आपको फिल्में बताई जो 2019 में रिलीज होने वाली हैं। उम्मीद है आप इन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे।